आई रिपीट अगेन, लेट्स प्ले अ गेम विद अ बॉल. आपको हम एक गेम बॉल के साथ ओपन करके खेल के दिखा रहे हैं, और आप इसको अपने घर पे एक सीट से भी कर सकते हो. एक पेपर सीट लेना है, उसको क्रश करना है और उसको एक बॉल का शेप देना है. अब इस बॉल को क्या करना है, सबसे पहले आपको हैंड में रखना है. ओके, नाउ चिल्ड्रेन, आपको दिख रहा है ये बॉल कहाँ है? इन माई हैंड. ओके, होल्ड द बॉल इन माई हैंड. मैंने इस बॉल को अपने हाथ में पकड़ लिया है. ओके, आप क्या करोगे? होल्ड द बॉल इन योर हैंड. बॉल कहाँ है? हाथ में है. ओके, जब कोई थिंग और एग्जाम्पल बॉल आपके हैंड में होता है, अंदर होता है, तो क्या होगा? इसकी पोजीशन क्या है बॉल की? इन माई हैंड. ओके, नाउ अगेन ये बॉल को मैंने हैंड ऑन माई हैंड. ओके, पुट द बॉल ऑन योर हैंड. आप अपने हैंड के ऊपर इस बॉल को रख सकते हो. अब इसकी पोजीशन क्या हो गई? देखिए, सरफेस के ऊपर कोई थिंग होती है तो क्या हो जाता है? ऑन हो जाता है. ओके, जब भी कोई चीज किसी के ऊपर रखी होती है तो वो क्या, कौन सी पोजीशन कहलाती है? ऑन. ओके, नाउ मैं अपना हैंड ले रही हूँ, हैंड के नीचे बॉल को शो कर रही हूँ. ओके, अब ये बॉल क्या हुआ? इस तरीके से क्या हो गया? ऑन हो गया. बट दिस द बॉल अंडर माई हैंड. ओके, अब ये बॉल कहाँ गई? मेरे हैंड के नीचे. ओके, क्लियर हो गया चिल्ड्रेन? जब कोई चीज किसी चीज के अंदर होती है, जिस तरीके से मैंने बॉल को अपने हैंड में रखा हुआ है, तो इन माई हैंड. ओके, नाउ जब कोई हैंड के ऊपर आ गया तो क्या हो गया? ऑन माई हैंड. नाउ अब क्या हो गया? अंडर माई हैंड. ओके, नाउ चिल्ड्रेन वन मोर प्रपोजिशन. जब कोई थिंग हेड के ऊपर होती है तो ये कौन सा पोजीशन है? एवर माई हैंड. ओके, कोई थिंग हेड के ऊपर होती है. ओके, तो कौन सा पोजीशन हो गया? एवर माई हैंड. ओके, क्लियर हो गया? नाउ अगेन इन माई हैंड, ऑन माई हैंड, सॉरी, ऑन माई हैंड, माई हैंड एंड अबाउट माई हैंड, सॉरी. ओके, आई होप वन थिंग मोर. जब कोई थिंग किसी थिंग के ऊपर से गुजरती है, ओके, उस कंडीशन में हम ओवर का यूज करते हैं. ओके, ओके, वन मोर एग्जाम्पल. This is the topic of position mode. चिल्ड्रेन, मैं यहाँ पर एक बॉल और एक बॉक्स का एग्जाम्पल ले रही हूँ. अब आप मुझे बताना कि मैं कौन सा पोजीशन बता रही हूँ. ठीक है, देखिए, व्हाट इज दिस? अ बॉक्स इज हियर. ओके, ये आपको एक बॉक्स दिख रहा है. ओके, यस मैम. इसके ऊपर क्या है? बॉल है. ओके, आप अभी कोई भी रिप्लाई नहीं करेगा, केवल पिक्चर को देखिए और याद करिए कि मैंने कौन कौन से प्रपोजिशन आपको एक्सप्लेन किए. नाउ अगेन, बॉक्स इज हियर एंड बॉल इज हियर. ओके, नाउ अगेन बॉक्स एंड बॉल इज हियर. पूछेंगे मैम.
देखिए यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट मैंने फोर पोजीशन दिया हुआ है. अब प्लीज जिनको भी आंसर आएगा ओनली रेज योर हैंड. मुझे दिख रहा है मैं आपको मैं आंसर पूछ लूंगी. क्लियर? फर्स्ट आप पिक्चर देख रहे हैं चिल्ड्रन, यहाँ पर एक बॉक्स है उसके ऊपर एक बॉल आपको दिख रहा है. सभी को दिख रहा है? सभी को दिख रहा है? प्लीज टेल मी आंसर. यस मैम. ओके, व्हाट द पोजीशन ऑफ बॉल? ओनली रेज योर हैंड जिसको आ रहा है आंसर कि ये व्हाट टाइप ऑफ प्रपोजिशन. अप. इन. ओके, जिसने मेरी बात बहुत हाई. यस प्लीज टेल मी. ब्लू कलर की टॉप पहने हुए है. प्लीज गर्ल प्लीज टेल मी आंसर व्हाट टाइप ऑफ. अंडर मैम. नो. ओ ओ प्लीज. यस ग्रीन कलर का स्वेटर पहने बैठी है. प्लीज आप बताइए. मैम इन. नो. नो अपने मन से बताइए. अपने मन से बताइए. बॉक्स है, बॉक्स के ऊपर बॉल रखा है. व्हाट द पोजीशन ऑफ द बॉल? प्लीज टेल मी. और किसको आ रहा है? म्यूट. यस स्पेक्टल्स लगाइए. प्लीज बताइए बेटा. वॉल्यूम तो बड़ा है फिर भी नहीं आ रही है आवाज. म्यूट आ रहा है. हमारे पास पूरी आवाज आ रही है. आप बताइए. अब इसमें म्यूट आ रहा है कॉलम. बताइए बेटा मुझे आपकी आवाज आ रही है जो आप अभी बोल रही थी कि बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है. फिर स्टॉप वीडियो फिर शेयर फिर पार्टिसिपेंट मोड. हाँ बताइए बेटा जिसने रेज योर हैंड किया हुआ है. प्लीज बताइए. नो चलिए कोई बात नहीं. मैं आपसे दोबारा से ये पूछूंगी. जब कोई ये आपको मैंने आपसे पूछा था कि बॉल की पोजीशन बताना है. एक बॉक्स है, बॉक्स के ऊपर बॉल है, सरफेस पे टच हो रहा है. मैंने बॉल बताया था. बॉल के हैंड के ऊपर मेरा बॉल था. ये ऑन था. ओके कौन सा पोजीशन है? ऑन है. ओके क्लियर हुआ? आवाज नहीं आ रही है हमारी. हेलो आ रही है मैम. आ रही है. ये क्लियर हुआ? ये कैसे पोजीशन इसका ऑन हुआ चिल्ड्रेन? बॉक्स आपका दिया हुआ है, इसका नीचे बॉल है. प्लीज टेल मी अब बॉल की कौन सी पोजीशन दिया हुआ है. अच्छा मेरा फोन काटो फिर आए. यू आर राइट. ये पोजीशन आपका अंडर दिया हुआ है. वेरी गुड. वाले फोन में लगा लो. मैं वाले फोन उठा के फेंक दूं. उसमें फोन लग नहीं रहा है. इनकमिंग नहीं है. प्लीज इनके पेरेंट्स बोल रहे हैं वो. प्लीज शांत हो जाइए. मुझे कुछ पूछना है. क्लास डिस्टर्ब हो जा रही है. प्लीज जिनके पेरेंट्स बात कर रहे हैं वो प्लीज साइलेंट हो जाए. काटो. देखिए बॉक्स के नीचे बॉल दिया हुआ है. बॉल की पोजीशन कौन सी आ गई? अंडर आ गई. ओके नाउ अब बॉक्स इज हियर. अब देखिए यहाँ पर फिर से बॉक्स दिया हुआ है और बॉल इसके अंदर है. अब बताइए बॉल की कौन सी पोजीशन आ गई? इन. यस वेरी गुड. नो अंडर नहीं, इन. यस ये बॉल किसके? बॉक्स के अंदर है. तो ये इसकी पोजीशन क्या हो गई? इन हो गई. वेरी गुड. अब देखिए अब बॉल की कौन सी पोजीशन आ गई? अब यहाँ पर टू बॉक्स है और बॉल कहाँ है? बीच में है. बताइए बेटा कहाँ बताइए. यस वेरी गुड. इसकी पोजीशन कौन सी है? बिटवीन हो गई. यस चलिए अभी मैंने आपको बॉल की डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन दिखाए. एक में बॉल ऑन था, दूसरे में अंडर, इन और बिटवीन. ओके सेम है. और पोजीशन देखते हैं. एक तो सुनो ना, 26 में रखा क्या नेट? देखो जरा बोलो. फोर. ओके फ्रेंड्स जब कोई थिंग किसी थिंग के पीछे हो. ओके देखिए पीछे यहाँ पर बॉल है, हाफ दिख रहा है क्योंकि वो उसके पीछे है. जैसा मैंने बताया था बॉल ये बोर्ड हमारे. हाँ
बोर्ड कहाँ है? मेरे पीछे है, है ना? और जब कोई चीज पीछे होती है तो मैं क्या बताई थी? बिहाइंड का यूज करते हैं। देखिए सेम है, बॉक्स है, बॉक्स के पीछे बॉल है, तो यहाँ कौन सा पोजीशन हो जाएगा? बिहाइंड हो जाएगा। वेरी गुड, बिहाइंड, वेरी गुड। एंड सेम अपोजिट साइड, अब बॉक्स है, आप हमारे कहाँ हो? इन फ्रंट ऑफ। ओके, जब कोई थिंग या कोई भी पर्सन किसी के सामने होता है, बॉक्स है, बॉक्स के सामने बॉल है। ओके, ये क्या है? बॉक्स के सामने बॉल दिया हुआ है, तो ये कौन सा पोजीशन हो जाएगा? इन फ्रंट ऑफ। कौन सा हो जाएगा? इन फ्रंट ऑफ। ओके, लास्ट अ बॉक्स इज हियर, कोई भी थिंग्स किसी के बगल में दी होगी, ठीक है? बॉक्स है, इसके बॉल बगल में दिया हुआ है, इस कंडीशन में पोजीशन हो जाती है बिसाइड। ओके, ये मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं किया था। ओके, जब भी कोई चीज किसी के बगल में होती है तो बिसाइड होती है। ओके, ये मैंने आपको पहले एक्सप्लेन नहीं किया था, मैं बता दे रही हूँ कि जब भी कोई चीज, कोई भी थिंग किसी के बगल में होता है तो बिसाइड का यूज करते हैं। चिल्ड्रन, आपको क्या करना है आज? आपको जो आप डेली यूज में, आप जिस वर्ड को, सेंटेंस को घर पे बोलते हो, जैसे मम्मा आपको बोलती है सिट हियर, बोलती है ना? आप भी अपने अपने यंगर ब्रदर सिस्टर को बोलते हो सिट हियर, कोई भी एक्स वाई जेड वर्ड यूज करते हो, आपको क्या करना है? जितने भी मैंने आपको सिक्स टाइप के प्रीपोजिशन बताए हैं, मैं बिसाइड इसलिए बार बार ले रही हूँ क्योंकि बिसाइड को मैंने एक्सप्लेन नहीं किया था, आपको क्या करना है? सिट हियर नहीं बोलना है, सिट बिसाइड मी, मेरे बगल में बैठ जाओ। ओके, इसी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट पोजिशन इन, ऑन, अंडर, इन फ्रंट ऑफ, बिटवीन का यूज आपको डेली बेसिस में करना है, जिससे क्या होगा, आपको प्रेपोजिशन का डेली में अभ्यास हो जाएगा। क्लियर? आपने कौन कौन से सेंटेंस को यूज करके आपने अपने पेरेंट्स के साथ, अपने छोटे भाई बहनों के साथ यूज किया है, उसको कॉपी में नोट डाउन कर लेना। कल जब मैं क्लास लूंगी तो सभी से कोशिश करूंगी आप लोग रिप्लाई कर सको। क्लियर? और मैं सभी से पूछने की भी कोशिश करूंगी। ओके, तो मैं आज के लिए इतना ही बस करूं। yes, वो जाने का मन नहीं हो रहा? नो मैम। यस, ठीक है, आज का टास्क कंप्लीट करते हैं, फिर कल मिलते हैं। ओके, तब तक के लिए बाय बाय। मैम, बाय मैम, बाय बाय।